हमीरपुर मंडल के अध्यक्ष महामंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का बैठक में पहुंचने पर अभिनंदन स्वागत किया। नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा एवं डॉक्टर अनिल धीमान का भी बैठक में पहुंचने पर हमीरपुर मंडल द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की बनाई रूपरेखा को क्रमवार सबके सामने रखा। उसके बाद पार्टी अतिरिक्त के पूर्व में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की जानकारी भी सभा में रखी गई। बैठक के द्वितीय सत्र में केंद्र सरकार के 4 वर्षों की उपलब्धियों एवं हमीरपुर जिला को इन 4 वर्षों में दी गई सौगातों के ऊपर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। बैठक में प्रदेश सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पर भी चर्चा हुई और राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि प्रदेश सरकार के 100 दिन शासन व सर्वांगीण विकास की दिशा में नई सोच और नई पहल के साक्षी हैं। बैठक का अंतिम सत्र मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के संबोधन के साथ संपन्न हुआ। पूर्व सीएम ने अपने संबोधन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को कहा कि चुनावों की थकान मिट चुकी है, अब आगे बढ़ना है। पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि सब लोग उठो, जागो और चलते रहो जब तक मंजिल न मिल जाए। पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनानी है और प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर फिर से भाजपा की झोली में डालनी है, इसीलिए अब लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दो। आपके स्थान का नाम सुनकर इतना दूर कहना चाहता हूं कि सत्ता आती बड़ी मेहनत से है, जाती बड़ी आसानी से है। दिन रात मेहनत करो, पसीना बहाओ, पार्टी को सत्ता में लाओ,